दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाएं कुछ भी खाने से पहले बहुत बार सोचती हैं और ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान फ़ायदा पहुंचाती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर माँ चाहती है कि होने वाले शिशु को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, शिशु बिल्कुल स्वस्थ जन्म ले। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके लिए वो अपने स्वाद की परवाह भी नहीं करती है। लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीजनल होती हैं और अगर उनका सीजन निकल जाए तो फिर वो मिलनी मुश्किल हो जाती हैं। और ऐसा ही एक फल है जामुन। जी हाँ दोस्तों, जामुन जो है वो सीजनल फ्रूट है और गर्भवती महिलाओं को ये टेंशन रहती है कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें जामुन का सेवन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान आप जामुन का सेवन कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं और इसके आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जामुन एक ऐसा फल है जो आपको हर जगह बहुत ही आसानी से मिल जाता है और इसके प्रेगनेंसी के दौरान सेवन करने से बहुत से फायदे होते हैं। और जामुन में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन और खनिज भी पाया जाता है जो कि आपकी और आपके होने वाले शिशु की हड्डियों को मजबूत करने में काफी हेल्प करता है। इसके अलावा ये गर्भवती महिलाओं की इम्यूनिटी इम्प्रूव करने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा दोस्तों जामुन का नियमित सेवन करने से गर्भवती महिलाओं की जो पाचन क्षमता होती है वो इम्प्रूव करती है और अगर आपको इस दौरान कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो जामुन खाने से वो भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा गैस, खट्टी जकार, पेट में जलन, इस तरीके की परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सी गर्भवती महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हमेशा ये शिकायत बनी रहती है कि उनके गर्भ में पल रहे शिशु को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अगर आप इस दौरान जामुन का सेवन करती हैं तो जामुन में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ प्लेसेंटा संबंधी समस्याओं को भी ये दूर करता है। और अगर आपकी इस दौरान गर्भनाल बिल्कुल स्वस्थ रहेगी तो शिशु तक अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन और पोषण भी पहुंच पाएगा और शिशु का विकास और भी ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। इसके अलावा दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर का खतरा सबसे ज्यादा होता है और प्रेगनेंसी के दौरान लगभग सभी गर्भवती महिलाओं को हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी बनी रहती है। ऐसे में अगर आप जामुन का सेवन करती हैं तो जामुन में पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और आपकी प्रेगनेंसी के दौरान ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया का खतरा भी काफी बना रहता है, यानी कि खून की कमी होना। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको खून की कमी हो जाती है तो आपको बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जामुन का सेवन करती हैं तो ये खून की कमी को भी दूर करने में काफी हेल्पफुल होता है क्योंकि जामुन में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। अगर आप रेगुलर जामुन का सेवन करती हैं तो उससे गर्भवती महिलाओं के अंदर खून बनना शुरू हो जाता है और अनीमिया की जो शिकायत है वो दूर हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों जामुन में एंटीऑक्सीडेंट और भी बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो अगर आप इसका सेवन रेगुलर कर रही हैं तो इससे आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है और आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों जामुन में कई तरीके के एंजाइम ऐसे पाए जाते हैं जो कि दिल की समस्याओं के लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं और अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान जामुन का सेवन करती हैं तो ये आपके दिल के लिए तो अच्छा है ही है, साथ ही साथ आपके गर्भ में पल रहे शिशु के दिल के विकास के लिए भी काफ़ी मददगार साबित होता है। इसलिए दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान जामुन का सेवन करने से आपको तो फायदा मिलता ही है, साथ ही साथ गर्भ में पड़ रहे शिशु को भी दिल से संबंधी किसी भी बीमारी से दूर रखा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जामुन में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। इसलिए अगर गर्भवती महिला को कैंसर से संबंधित कोई भी बीमारी है तो वो जामुन का सेवन कर सकती है क्योंकि जामुन आपके गर्भ में पड़ रहे शिशु तक इस तरीके की किसी भी बीमारी को नहीं पहुँचने देता है। इसके अलावा दोस्तों अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको प्रीमैच्योर डिलीवरी का खतरा है और आपके डॉक्टर के द्वारा आपको ये बता दिया गया है कि आपकी प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है, ऐसे अगर आप जामुन का सेवन करती हैं तो आप प्रीमैच्योर डिलीवरी से बच सकती हैं। इसके अलावा कुछ गर्भवती महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका गर्भाशय कमजोर होता है
और मिसकैरेज का खतरा बना हुआ है, तो ऐसे में भी आपको जामुन का सेवन नियमित तौर पर करना चाहिए, क्योंकि जामुन में मैग्नीशियम उच्च मात्रा में होता है जो कि प्रीमैच्योर डिलीवरी के खतरे को तो कम करता ही है, साथ ही साथ मिसकैरेज का जो खतरा है उसे भी ये कम कर देता है। अंत में दोस्तों ये बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को एक दिन में कितने जामुन का सेवन करना चाहिए। तो आपको बता दो दोस्तों कि प्रेगनेंसी के दौरान आप एक दिन में 2 कटोरी जामुन का सेवन कर सकती हैं, और 1 कटोरी आप सुबह ले सकती हैं और 1 कटोरी आप शाम को ले सकती हैं, लेकिन 2 कटोरी से ज्यादा जामुन का सेवन इस दौरान आप ना करें। अब बात कर लेते हैं कुछ सावधानियों की जो आपको जामुन खाने से पहले ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली है दोस्तों कि जामुन को आपको कभी भी खाली पेट नहीं खाना है, क्योंकि खाली पेट जामुन खाने से आपको पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी आपको इस दौरान आ सकती है। दूसरी सावधानी आपको ये ध्यान में रखनी है कि जामुन खाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक आपको दूध नहीं पीना है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज है तो ऐसे में भी आप जामुन का बहुत अधिक सेवन ना करें, क्योंकि इसमें हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट होता है जिससे ब्लड क्लॉटिंग का खतरा बना रहता है, इसलिए डायबिटीज में आपको ज्यादा जामुन का सेवन नहीं करना है। तो दोस्तों ये थी जरूरी जानकारी कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप जामुन का सेवन करना चाहती हैं तो कब आप जामुन का सेवन करें और कब आप जामुन का सेवन ना करें, कितनी मात्रा में जामुन का सेवन आपके लिए बिल्कुल सेफ रहेगा। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।